नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल फैक्ट्स इंडिया में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ग्लेशियर से जुड़ा हुआ एक जानकारी। अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़, जानिए इसका आकार। बर्फ की खान कहे जाने वाले अंटार्कटिका से बड़ी खबर सामने आई है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर तेजी से गर्म हो रही है, इसके चलते बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड पिघल रहे हैं। अब अंटार्कटिका के तट से एक विशालकाय हिमखंड टूट गया है। बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। उपग्रहों और विमानों से ली गई तस्वीरों के मुताबिक यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। यह हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि आइसबर्ग A76 अंटार्कटिका में रोने आइसशेल्व के पश्चिमी हिस्से से टूटा और अब बेडेल सागर पर तैर रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट तस्वीरों से नज़र आ रहा है कि अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित रोने आइस शेल्फ से महाकाय बर्फ का टुकड़ा टूटा है। इस हिमखंड के टूटने से दुनिया में दहशत का माहौल है। इसका आकार स्पेनिश द्वीप मालोर्का के जितना बताया जा रहा है। ये वजह है, जलवायु परिवर्तन के चलते अंटार्कटिका की बर्फ की चादर भी गर्म हो रही है। यही वजह है कि ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, खासकर बेडल सागर के आसपास। जैसे कि ग्लेशियर पीछे हटते हैं, बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं और तब तक तैरते रहते हैं जब तक कि वे अलग नहीं हो जाते या जमीन से टकरा नहीं जाते। इतना है हिमखंड का आकार। इस हिमखंड का बर्फ के पहाड़ के आकार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह टूटा हुआ टुकड़ा 4320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 4 न्यूयॉर्क शहर समा सकते हैं। इस हिमखंड को दिया गया है नाम, इस विशालकाय हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। इस हिमखंड के टूटने की तस्वीर को यूरोपीय यूनियन के सैटेलाइट कॉपरनिकस सेंटिनल ने खींचा है। यह सैटेलाइट धरती के ध्रुवीय इलाके पर नज़र रखता है। ब्रिटेन के अंटार्कटिका सर्वे दल ने सबसे पहले इस हिमखंड के टूटने के बारे में बताया। इसलिए बढ़ सकती है मुश्किल। हिमखंड के टूटने के साथ ही दुनिया भर में चिंता भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इससे पहले मुश्किल और भी बढ़ सकती है। दरअसल नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक इस हिमखंड के टूटने से सीधे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जलस्तर बढ़ सकता है। यही नहीं, ग्लेशियर्स के बहाव और बर्फ की धाराओं की गति को धीमा कर सकता है। सेंटर ने चेतावनी दी है कि अंटार्कटिका धरती के अन्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में इतना पानी जमा है कि जिससे पिघलने पर दुनिया में समुद्र का जलस्तर 200 फीट बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने माना है कि A76 के टूटने की वजह जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल की वैज्ञानिक लोरा गैरिस ने ट्वीट करके कहा है कि A76 और A74 दोनों अपनी अवधि पूरी हो जाने के बाद प्राकृतिक कारण से अलग हुए हैं। वहीं नेचर मैगजीन के मुताबिक वर्ष 1880 के बाद समुद्र के जलस्तर में औसतन 9 इंच की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से एक तिहाई पानी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से आया है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।